वेलकम बैक माय चैनल नेहा डिजाइन। और मैं आपकी दोस्त नेहा अलवी। आज हम आपके लेकर आए सुंदर सी फ्रॉक की हमने बनाई है 6 से 7 साल की बच्ची के लिए। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कट करेंगे टॉप पार्ट। टॉप पार्ट के लिए हमने यहाँ पर ये वाला पीस लिया हुआ है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। लेंथ हमने रखी है इसकी यहाँ से 10 इंच पर और विड है हमारे यहाँ से 17 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस यहाँ पर हमने कट किए हुए हैं और इन दोनों पीस को हम रॉन्ग साइड की तरफ से फोल्ड करेंगे। यहाँ से इन दोनों पीस को हम इस तरीके से मिला लेंगे और अब करेंगे इसकी मार्किंग शुरू। तो सबसे पहले मार्क करेंगे हम शोल्डर का। तो यहाँ से हमारे शोल्डर है, शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच पर और आर्म सोल का मार्क लेंगे यहाँ से 5 इंच पर। आपने आर्म सोल का मार्क लेंगे और जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट हम रखेंगे यहाँ से 6.5 इंच पर। और कमर का मार्क होगा हमारा यहाँ से 6 इंच पर। मार्किंग करने के बाद हम मार्किंग करेंगे नेक की। तो हमारे जो नेक है, नेक की विड्थ हम रखेंगे यहाँ से 2.2 इंच पर और लेंथ होगी हमारी यहाँ से इसकी 3.6 इंच पर। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम मार्किंग करेंगे हम बैक साइड के नेक की। तो विड्थ हमारी सेम रहेगी और लेंथ हम रखेंगे यहाँ से इसकी 2.6 इंच पर। इस तरीके से हमारे जो टॉप है, टॉप की कटिंग यहाँ तक हो गई है और इसके बाद दोनों पीस को हम अलग अलग फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से दोनों पीस को अलग फोल्ड करने के बाद हमारा जो फ्रंट वाला नेक है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे टॉप है, टॉप की कटिंग हमारी हो गई है और अब इसके बाद लेंगे अपनी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा जो मेजरमेंट है वो हमने रखा है। देखिए यहाँ से लेंथ है हमारी 9.5 इंच पर और विड है हमारे यहाँ से इसकी 16 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस यहाँ पर हमने कट किए हुए हैं और इन दोनों पीस को अब हम मिला लेंगे। इस तरीके से इन दोनों पीस को मिलाएंगे और अब करेंगे इसकी मार्किंग शुरू। आर्म सोल का जो मार्क है वो हमने रखा था 5.6 इंच पर, तो यहाँ से भी हम इसको 5.6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से लेंगे। ये हमारे आर्म सोल का मार्क है और जो मोहरी है हमारी स्लीव्स की मोहरी हम लेंगे यहाँ से 4.2 इंच पर। तो ये हमारी स्लीव्स हैं और इसके बाद लेंगे अपना बॉटम पीस। तो बॉटम पीस के लिए ये हमारा, ये हमने बॉटम पीस है जो कट किया हुआ है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। ये हमारी फर्स्ट लेयर है और इसका मेजरमेंट है हमारा, लेंथ हमने रखी है इसकी 16 इंच पर और विड्थ है यहाँ से हमारी इसकी 34 इंच हमारी विड्थ है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस यहाँ पर हमने ये कट किए हुए हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर है और इसके बाद लेंगे अपनी सेकंड लेयर। हमारी सेकंड लेयर और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से, लेंथ हमने रखी है इसकी 6 इंच पर और विड्थ है हमारी यहाँ से इसकी 45 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस यहाँ पर हमने कट किए हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले
तैयार करेंगे अपना टॉप पीस, तो इनको रखेंगे अभी साइड में। तो हम नेक तैयार करेंगे। नेक तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने ये वाला जो पीस है ये लिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ से इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अपना टॉप पार्ट। यहाँ से अपना टॉप पार्ट लेंगे और ये जो हमने पाइपिंग कट की है इसको रखेंगे हम फ्रंट साइड की तरफ पे। देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। नेक के ऊपर यहाँ पर हमने पाइपिंग लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब यहाँ पर लगाएंगे हम कट्स। कट्स लगाने के बाद ये जो पाइपिंग है, पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इसको रॉन्ग साइड की तरफ पर, और इसको फोल्ड करते हुए लगाएंगे अब इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। नेक हमारा तैयार है और अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेस लेंगे। तो ये हमारी लेस है जिसको हम यूज करेंगे नेक के ऊपर। तो यहाँ से हमें इसको कैसे करना है, देखिए इस तरीके से हम इसको नेक का जो हमारा यूज है वो हम नेक पर इस तरीके से करेंगे लेस का। देखिए जो हमारी लेस है, लेस को हमने ऐड कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर हमने डोरी बनाकर तैयार की हुई है। देखिए इस तरीके से ये डोरी है जो हमने तैयार की है, इस डोरी को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसके साथ में इसको सिलकर तैयार करेंगे। डोरी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और अब इसके बाद में हम अपना फ्रंट वाला जो बॉटम पीस है वो तैयार करेंगे। तो इसको अभी रखेंगे हम साइड में। तो ये हमारा फ्रंट वाला पीस है उसकी फर्स्ट लेयर है और इसमें हमें एक लेयर है जो और ऐड करनी है, ये हमारी सेकंड लेयर है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो सेकंड लेयर है इसके ऊपर यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक धागा लेंगे और धागे को खींचेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमारा जो बॉटम पीस है बिल्कुल इसके इक्वल है और अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों पीस को मिलाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। इन दोनों लेयर को हमने एक साथ ऐड कर दिया है और अब यहाँ से हमारा जो बॉटम पीस है ये लेंगे और यहाँ पर भी हमने कच्ची सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब यहाँ से धागा खींचेंगे। तो हमारा जो बॉटम पीस और टॉप पार्ट के बिल्कुल इक्वल है और अब इसके बाद यहाँ से हम इन दोनों पीस को मिलाएंगे इस तरीके से और इन दोनों पीस को मिलाते हुए लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। तो हमारा जो फ्रंट वाला पीस है ये हमारा बनकर तैयार है और अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब लेंगे हम अपना बैक साइड वाला पीस। तो ये जो हमारा बैक साइड का पार्ट था इसको भी हमने सेम तरीके से तैयार कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों पीस को हम मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पीस को मिलाने के बाद यहाँ से दोनों शोल्डर सिलकर तैयार करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा बॉटम पीस है इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमारा जो फ्रॉक है बनकर तैयार है और अब इसके बाद हम इसमें स्लीव्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर रखेंगे और जो लेंगे अपनी स्लीव्स, स्लीव्स की जो मोहरी है मोहरी हमने फोल्ड कर दी है सिंपली और अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और अब यहाँ से इसको हम नाप लेंगे और नापने के बाद अब यहाँ पर लगाएंगे सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेंगे और डालेंगे इसको आर्म सोल के अंदर। देखिए यहाँ से आर्म सोल के अंदर डालेंगे और दोनों जॉइंट को मिला लेंगे। इस तरीके से जॉइंट को मिलाने के बाद अब यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। देखिए दोस्तों हमारी जो फ्रॉक है बनकर तैयार है। आज का हमारा ड्रेस आपको कैसा लगा
ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।